देखो हम लोग ने लव मैरिज किया था, 5 ईयर लव करके हमारा इतना अच्छा प्यारा सा बेबी बॉर्न हुआ है ना बेबी। एंड गाइस हम लोग का एक्चुअली लव मैरिज हुआ था, हम लोग ने एक्चुअली 5 ईयर्स पूरा लव किया था। हम लोग के लव के टाइम पे काफ़ी मतलब मुश्किलें आए, काफ़ी मतलब हम लोग ने दूरी हुए, काफ़ी हम लोग नज़दीक आए। एंड लव स्टार्टिंग में हम लोग ने, हेलो दोस्तों सभी में प्रणाम नमस्ते, अभी मॉर्निंग का ब्लॉगिंग हमने स्टार्ट कर लिया है। अभी हमारा बेबी देखो पलटी खाने लग गया है, अभी 2 मंथ्स कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी कहाँ पे बात कर रहे हैं बोलते देखने के लिए सोच रहे हैं, तो एक बार उसको पलटी करो तो। हेलो हेलो हाउ आर यू। मोबाइल देखते ही चुप हो जाता है एक्चुअली। एंड ये हमारे मैडम, एंड ये मेरे मम्मी। मम्मी कॉफी बना दिया, तो अभी बेबी काफी बड़ा हो चुका है, 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर किया करो, सपोर्ट किया करो। नो 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 क्यों रुला रहे हो यार, उसको क्यों रुला रहे हो यार, आप रुलाने का काम ही कर रहे हो। एंड गाइस हम लोग का एक्चुअली लव मैरिज हुआ था, हम लोग ने एक्चुअली 5 ईयर्स पूरा लव किया था। हम लोग के लव के टाइम पे काफ़ी मतलब मुश्किलें आए, काफ़ी मतलब हम लोग ने दूरी हुए, काफ़ी हम लोग नज़दीक आए। एंड लव स्टार्टिंग में हम लोग ने तो कितना मतलब दुख पाया है ना, क्या बोलते हैं, बहुत पाया दुख, बहुत। जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ को मिलने गया था ना, तब मेरे को तो एक्चुअली क्या बोलते हैं, इतना मतलब ट्रैवलिंग करना भी पता नहीं था। मैं ट्रेन में भी 2-3 दफे बैठा था, तो मुझे मतलब इतना बहुत डर लग रहा था। फर्स्ट टाइम मुझे मतलब सूरत से अहमदाबाद आना था, फिर भी मैं हिम्मत रख के फिर मैं आया सूरत से अहमदाबाद। तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, मैं तो ऐसे डर रहा था कि यार क्या होगा, मतलब कुछ मतलब मेरे को मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा बोल के डर रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत रख के गया तो मिले, और उसके बाद भी हम लोग काफ़ी अच्छा प्यार किया, इसलिए हम लोग का ये बेबी भी बॉर्न हुआ यहाँ पे। क्या बोलते हो, ऐसा ही था ना। तो प्लीज़ आप लोग ने अच्छे अच्छे और हमारे रियल लव स्टोरी के बारे में सुनना हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वाइफ के फैमिली से भी और मेरे फैमिली से भी दोनों ने मतलब हम दोनों को एक्सेप्ट किया, इसके लिए हम लोग ने शादी भी किया। समझो अभी 6 ईयर्स लव करके फिर मैरिज होना कितनी बड़ी बात होती है, मतलब वो मतलब मेरे यहाँ से 2 दिन दूर उसका घर और 2 दिन दूर मेरा घर, फिर भी अंडरस्टैंडिंग करके हम लोग ने काफ़ी टाइम हम लोग मतलब दूर भी हुए, अलग अलग हुए, फिर मतलब साथ में हुए, एक दूसरे के लिए कितनी बार हम लोग कहाँ कहाँ गए। लाइफ में लव स्टोरी में ऐसा होता है पता चला, इसके लिए हम लोग का इतना सा हैंडसम क्यूट बेबी हुआ बॉर्न, देख सकते हो आप। अभी 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं बेबी को, अभी मेरा बेबी देख सकते हो भजन सुन रहा है, हमारा बेबी अभी भजन सुन रहा है, भजन सुन रहे हो आप। तो अभी मम्मी के साथ बैठ के, अपनी दादी के साथ बैठ के भजन सुन रहा है, बहुत साइलेंट बेबी हम लोग का। देखो हम लोग ने लव मैरिज किया था, 5 ईयर लव करके हमारा इतना अच्छा प्यारा सा बेबी बॉर्न हुआ है ना बेबी। ओ नाइच नाइच नाइच, ओ क्यूट बेबी। अभी तो जस्ट 3 मंथ ही हुआ है, बाद में तो पैदल चलेगा मेला बाबा, है ना। बारिश का मौसम चालू हो गया गाइस, देख सकते हो काफी मस्त बारिश, बाहर तो एकदम मस्त बारिश हो रही थी। अभी जस्ट भीग के आया, फिर नहा धो के अभी घर पे पहुंच चुका हूँ। 5:30 बज चुके हैं
एंड वाइफ भी मोबाइल चलाने में बिजी है, हमारे बेबी यहाँ पे अपने मम्मी के साथ सोया हुआ है एंड मम्मी भी यहाँ पे अभी जस्ट मोबाइल वोबाइल चला के अभी थक चुकी है। मम्मी अभी क्या करने वाले हो आप? कॉफी बनाने वाले हैं। चलो कॉफी बन, चलो कॉफी वॉफी कुछ बनाओ, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। अभी मेरा बाकी है मोबाइल। बारिश के मौसम में मस्त गर्मा गर्म कॉफी पी लेते हैं। तो गाइज आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग और अच्छा बनाएंगे। तो बाय।